हो जाता है, उसको रिकॉग्निशन मिलती थी, रिकॉग्नाइज पत्रकार, वो व्यवस्था शायद बंद हो गई। अभी दो ही व्यवस्थाएं हैं, एक्रेडिटेड एंड नॉन एक्रेडिटेड। हम लोगों ने विचार किया है कि 5 साल जिसकी पत्रकारिता हो जाएगा उसको रिकॉग्नाइज पत्रकार, ये श्रेणी और बनाएंगे। अभी तक जो एक्रेडिटेशन होता है वो प्रिंट मीडिया में जिला स्तर पर और सब रीजन स्तर पर भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग केवल जिला स्तर पर होते हैं। हमने विचार किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी एक व्यक्ति एक्रेडिटेशन में हमारा सब रीजन लेवल का उसको भी शामिल करें। बोलिए, पिछली सरकार ने कोई पेंशन घोषित की थी और मैंने पूछा कि वो पेंशन कितने लोगों को मिल रही है, तो तब मिला कि किसी को नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उसमें कंडीशन लगाई गई थी कि 20 साल तक कंटिन्यूअसली उन्होंने पत्रकारिता किसी एक जगह की हो, लेकिन वो 20 साल को एक जगह कोई कर नहीं सकता, कई बार कंटिन्यूटी भी टूट जाती है, तो वो सर्टिफिकेट किसी का नहीं मिला। इसलिए आप उससे उस कंटिन्यूटी की जो शर्त है उसको हटा रहे हैं कि 20 साल आपने कहीं भी किसी भी पत्र के साथ काम किया है, केवल उसके जो कुछ प्रूफ की छोटी मोटी चीज है वो हमारे डिपार्टमेंट को नियम बनाएंगे बता देंगे, तो 20 साल 60 साल की आयु और 20 साल में पत्रकारिता कहीं भी की हो, किसी छोटे बड़े पत्रकार में पत्र की हो, तो पेंशन चालू कर देंगे। मैं समझता हूँ बहुत लाभान्वित।